आज दिल्ली में हुई फिल्म हसीना पारकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूवी की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, अदर स्टारकास्ट और डायरेक्टर अपूर्व लाखिया मौजूद थे। हम आपको बता दें, ये मूवी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के जीवन पर आधारित है। आइए जानते हैं उन लोगों से इस मूवी से जुड़ी कुछ और खास बातें। मैम, माई सेल्फ आशीष फ्रॉम बोलविंदा। हेलो आशीष। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है पहला कि एक क्यूट एक्ट्रेस होने के नाते और आपका हसीना पारकर तक का जो सफर है, थैंक यू सो मच, वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? आपने अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, सो थैंक यू सो मच। खुद को तो मैं कोई कभी लेबल देना नहीं चाहूँगी कि मैं इस किस्म की एक्ट्रेस हूँ या मेरा ये इमेज है या मेरा वो इमेज है, लेकिन डेफिनेटली जब ये फिल्म अनाउंस हुई हसीना पारकर और पहला लुक जब आया था, तब ज़्यादा करके लोग मुझसे पूछने लगे कि ये बहुत, और कहने लगे कि ये बहुत ही अलग है आपके पहले काम से, और मुझे कहानी बहुत बहुत दिलचस्प लगी, ख़ास करके क्योंकि जैसे मैंने कहा इट्स अ ट्रू स्टोरी, और जो कुछ इस औरत पे बीती है, सारे जो इंसिडेंसेस हैं इन फिल्म में, देव ऑल बीन ट्रू, सब एक्चुअली हुए हैं। कि हसीना पारकर और दाऊद इब्राहिम कोई प्रेरक कैरेक्टर नहीं है, ये इंस्पिरेशनल कैरेक्टर नहीं है, उसके बावजूद आप दोनों भाई बहनों ने ये मूवी की, तो आपको ऐसा क्या खास लगा इसमें? जैसे मैंने कहा, मुझे कहानी दिलचस्प लगी, इंटरेस्टिंग लगी, और बहुत ही इमोशनल कहानी है। डेफिनेटली ग्रे शेडेड कैरेक्टर है और एक बायोपिक है, तो 17 से 40 तक की उम्र का किरदार निभा रही हूँ, और हम सारे जो ऑल द क्वालिटीज ऑफ हसीना पारकर जो आप देखेंगे इस फिल्म में, यू सी एवरीथिंग अबाउट हर, सारे जो उनके ट्रेड्स हैं आप देखेंगे, तो मुझे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब तक श्रद्धा कपूर की इमेज बॉलीवुड में रोमांटिक हीरोइन के तौर पर थी, पर यह पहला मौका है कि हसीना पारकर के द्वारा वो एक अलग किरदार में नजर आएंगी। अब देखना ये होगा ये किरदार लोगों को कितना पसंद आता है या नहीं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं आशीष कुमार, बोल बिंदास, न्यू दिल्ली।